नमस्कार जी, स्वागत है आपका एचआर 71 में। इस समय मैं मौजूद हूँ रणजीतपुर। मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं वो नाहन की तरफ जाता है, हिमाचल की तरफ जाता है, और ये जो चौराहा है ये आदि बद्री तीर्थ की तरफ जाता है। तो आज जो ये हरियाणा का लास्ट जो एक अच्छा विलेज है यहाँ पर पहुँचा हूँ, रणजीतपुर नाम है। यहाँ पर सर्वे करूँगा, लोगों से जानूँगा विधानसभा चुनाव में किसका बोलबाला है। आइए जानते हैं लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले अंकल जी बैठे हैं, इनसे शुरुआत कर लूँगा। राम राम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, अब किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? नहीं, हमारे ख्याल में तो खट्टर सरकार आएगी दोबारा। और अगर अपने विधायक की बात करें तो यहाँ पर लोकल विधायक कौन सा होना चाहिए? बलवंत जी हैं अभी, आगे कौन सी सरकार का आना चाहिए? कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा बीजेपी से हो या कांग्रेस से भी हो सकता है? बीजेपी से। बीजेपी से दाताराम जी को जैसे टिकट मिलने के आसार हैं, तो क्या लगता है उनको मिलेगी अगर दाताराम जी आते हैं तो? हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों बातें हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस कहाँ पर डीली पकड़ है उनकी? कांग्रेस नेता जो हैं ब्रिजपाल छप्पर जो ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय है, इस एरिए में ज़्यादा काफ़ी सक्रिय है जो माने जाते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं उनसे कभी। विधायक जी हैं अपने बलवंत जी, उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 3 नंबर। 3? 7 नंबर किस बात के कट गए? कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं तो फिर आप बीजेपी ही को सपोर्ट कर रहे हैं अगर काम ही नहीं है तो? बीजेपी, हमारा सीएम बढ़िया है। एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, हमारा सीएम बढ़िया है, अच्छे काम चल रहे हैं। अच्छा, लहर की तरफ है? लहर सीएम की तरफ है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग हो गए हैं। भाई आप बोल रहे थे कुछ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो आप कुछ कह रहे थे विधायक जी के बारे में, पूछना चाहता हूँ। देखो, जैसे मैं तुम्हारे ब्रिजपाल छप्पर जी है ना, आज तक इस एरिया में ऐसा कोई नहीं है, दुख सुख में सबके साथ ही। अपना जो विधायक जी हैं बलवंत जी, उनकी कहाँ कमी रह गई है, क्या कार्य नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो? रणजीतपुर में कोई नलका नहीं है, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे कोई भी, वो लग रहा नलका वहाँ पे। देखो ना, आप चला के देखो आप उसको एक बार। यहाँ पे वाटर कूलर नहीं है, वाटर कूलर की डिमांड की थी यहाँ पे, उसकी एक मतलब की यहाँ पे एक वाटर कूलर नहीं लग सका। इतनी पब्लिक यहाँ आती है, हिमाचल के लोग यहाँ बिलोंग करते हैं, हमारे हरियाणा के यहाँ से मतलब की बस स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है, आदि बद्री तीर्थ है यहाँ पे, आदि बद्री तीर्थ स्थान है यहाँ पे, हर श्रद्धालु यहाँ पे आता है। कि मतलब कि हमारे विधायक बलवंत सिंह को थोड़ा सोचना चाहिए ना इसके लिए। और जैसे ये आप ये किसकी चाहेंगे कि किसको आप सपोर्ट करेंगे? हम तो ब्रिजपाल छप्पर जी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस से। सारी बार यहीं घूम रहा है वो थोड़ा? हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, सारी बार यहाँ नहीं घूम रहा, हर एरिया में जहाँ भी उसको मतलब कि पता लग रहा दुख सुख का साथी है, ठीक है ना। तो आगे उसी को चाहेंगे आप? हम तो उसी को चाहेंगे। 10 में से कितने नंबर देंगे? बलवंत को? बलवंत को नहीं, हम एक भी परसेंट नंबर, जीरो 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 जीरो। हमारे साथ खान साहब हैं, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो हिमाचल से बिलोंग करा जी। अच्छा, आप हिमाचल से हो, चलिए आपसे तो क्या, चलो फिर भी आपके वहाँ पे सरकार किसकी है? बीजेपी। खुश हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो हिमाचल से था भाई। हाँ जी, आपसे बात हुई मेरी? चलिए एक मिनट, तो हमारे पास नहीं है ना, आगे चलता हूँ मैं, आगे लोगों से जाने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार चाहेंगे भाई हम तो। अच्छा जी, बीजेपी से किस बात से नाराजगी है? अरे जिसके 100 रुपए का बिल आता था बिजली का, उसके 34,000 रुपए बिल के आ रहे हैं। 34,000? हाँ जी। किस बात को लेकर? अभी 12,000 रुपए भर के आता था, 34,000 रुपए का बिल फिर आ गया। वो कैसे, ये क्या होता अभी? नहीं, वो आपने बिजली बोर्ड में जाके उसको सही करवा सकते? अरे सही तो करा के देख लिया, अगले कहते हैं कंप्यूटर ने उठाया जी, हम क्या करें बताओ। कंप्यूटर में तो गलत होगा ना? ये नहीं हमारे को पता, किसी कहाँ का घर का है दुकान? ये दुकान का बिल है मेरी। क्या चीज़ आपकी दुकान है मेरी? अच्छा, नाई की दुकान का 34,000 रुपए का बिल देख लो जी, 34,000 रुपए नाई की दुकान। ऐसा क्या जो तो मैंने कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है? ग्राइंडर मशीन के साथ काटते हो क्या बाल? ये देख लो भी आप। अच्छा। दो चूपे चलते हैं और एक मशीन चलती है। बिल है आपके पास? बिल है, दिखा सकता हूँ मैं आपको बिल अभी। अच्छा जी जी। 34,000। चलिए आगे चलकर बात करूंगा, भाई युवा है मेरे साथ, क्या नाम है जी आपका? पंडित सचिन सर, नमस्कार। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार पसंद है? भाजपा। यहाँ कह रहे हो भाई, कह रहा 34,000 बिल आया उसको नाई की दुकान पर, ऐसा क्या चक्कर हो रहा है? देखो पहला हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते वो, तो उनके उन्हें अपना मीटर भी चेक कराना चाहिए। क्योंकि देखो पहले ऐसा हुआ कि जो पुराने मीटर लग रहे थे ना यहाँ पे, तो उनका कई बार वो चीज़ बंद पड़ी हो, तो अब जैसे उन्होंने नए लगाए ना, तो उसके कारण भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे चलता हूँ, रणजीतपुर अंधेरा होने वाला है सिर्फ, और लोग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा का बिगुल बज चुका है, अपने यहाँ पर किसकी सरकार आनी चाहिए विधानसभा चुनावों में, किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए अभी, लोकसभा में तो आई नहीं आवागी, अटकावागी भी कहीं गावागी आवागी है। अब विधानसभा में कौन सा चेहरा है जो कांग्रेस का आपको अच्छा लगता है? भाई हम तो कांग्रेस ही ठीक लगा अभी। ठीक, चेहरा कौन सा विधायक कौन सा होना चाहिए आपका? बस कोई सा बन जाए, जो सा बना वही ठीक। ब्रिजपाल छप्पर अगर जैसे है यहाँ पर? हाँ ये ठीक है। ठीक है, हमारे साथ लोग मौजूद है। नमस्कार जी, विधानसभा चुनाव बस ने खा लिया, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसका सपोर्ट करना चाहिए, कौन सी सरकार होनी चाहिए? हाँ जी कांग्रेस। पंडित जी बोल रहे हैं कांग्रेस। बीजेपी से किस बात से नाराजगी है? नाराजगी तो बतेरा थोड़े तार रखे हैं। नहीं, किस बात को नाराज किया जी? सबके खाते में, हमारे खाते में कभी पैसे नहीं पहुंचा। क्या चीज नहीं खाते में यार आपके? पैसे नहीं आ रहे। कहाँ से आने चाहिए थे पैसे, कौन से वाले चाहिए आपको? जमीन वाले। अच्छा, जो मुआवजा वगैरह? हाँ जी मुआवजा वगैरह। किसान हो आप? हाँ जी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप किसको? आंटी जी ने तो बता दिया कि कांग्रेस को, आप किस पार्टी को? कांग्रेस ही आने चाहिए। कांग्रेस तो कौन सा नेता है जो कांग्रेस का आपको पसंद है? ब्रिजपाल छप्पर, राजपाल भूखड़ी या कोई और? तो कताई ने खरीदा। अच्छा, और तो फिर ब्रिजपाल छप्पर को टिकट मिल सकता है? मिलना चाहिए 100%। तो उनकी सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। भाजपा से किस बात की नाराजगी है? नाराजगी क्या, यही है बस, परेशानियां ढेर हैं। बलवंत जो है अपने विधायक जी, उनको 10 में से कितने नंबर दो? वो तो 1 रुपए का आदमी भी नहीं है। बलवंत कोई काम भग जाएगा हो जूगा बस, होता है नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना विधानसभा चुनाव आ रहा है, यहीं से हैं? नहीं, मैं हिमाचल से हूँ। आप भी हिमाचल से हैं? सारे हिमाचल से हैं? सारे हिमाचल से हैं। चलिए, अंधेरा हो गया यार यहाँ पे, वीडियो बनाते बनाते बस यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लेता हूँ ये क्या कहते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करूँगा। नमस्कार जी, यहीं से लोकल हैं? ये तो बात है। हाँ जी, कहाँ से? पूरी से जी। विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, अभी विधानसभा चुनाव, विधायक चुनने का समय आ गया, तो किसकी सरकार चुनना चाहेंगे, कौन सा विधायक होना चाहिए? भाई भी तो कुछ पता नहीं है, तो आने वाले टाइम में बताया जाएगा ना। नहीं, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। बलवंत जी को 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कार्य को लेकर? 10। 10 में से 10 हैं। आंटी जी एक सवाल पूछना चाहूँगा, लोकल है आप यहाँ से? हाँ जी लोकल है। विधायक कौन है हमारे यहाँ पे? बलवंत सिंह। किसकी सरकार पसंद करें बस ये बता दो। मैं मन पता नहीं के बारे में। सरकार किसकी चाहेंगे? सरकार हाँ जी, हाँ जी आप बताइए। मन में नहीं पता भाई। चलो यहाँ के लोगों ने, अंकल जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब आने वाले चुनाव हैं विधानसभा, विधायक को लेकर, तो किसकी सरकार चाहेंगे, कौन विधायक होना चाहिए जो आपके दुख सुख में खड़ा है यहाँ पर आपके साथ? ब्रिजपाल जी। अच्छा, ब्रिजपाल किस लिए? बढ़िया आदमी है, बढ़िया। राम राम मारे। और अपने बीजेपी का जो बलवंत जी मौजूदा विधायक है, उनके किस कार्य को लेकर? बस जी यही लग गई थी, मारे दिमाग में बता दी बस। अच्छा, ब्रिजपाल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है जी, उसकी ये लाम लगे शुरू से। तो मतलब रणजीतपुर एरिया में ब्रिजपाल का काफ़ी बोलबाला है? हाँ जी बढ़िया, काफ़ी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं यूँ पूछना चाह रहा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन होना चाहिए चेहरा? भाई मुझे बाद में करिए, तब वीडियो में तो नहीं आता। ठीक है जी, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। विधायक भी मारा, विधायक को कितने नंबर देंगे 10 में से? इसमें ये तो कह नहीं सकते इस बार विधायक। यहाँ कौन से कार्य किए गए हैं बीजेपी के रणजीतपुर के? कौन से? पांच कार्य गिना दीजिए। पांच तो नहीं, देखो रोड, पांच नहीं, रोड भी बने, धर्मशाला भी बनवाई उसने, और पानी के कूलर भी लगाए उसने। वो कह रहे हैं पानी का कूलर, कहाँ है पानी का कूलर? लग रहा है पिछले पास मंडी में लगाया, जहाँ मंडी में तो मार्केट कमेटी वालों ने लगाया होगा ना? नहीं नहीं, सरकार की तरफ से मंडी में। अब मान लो बस स्टैंड है यहाँ, लोगों ने पानी पीना है तो मंडी में पानी पियेंगे? नहीं मंडी में नहीं पियेंगे जनाब, मंडी में बस्ती में। मेन एरिया है यहाँ पे, बता दीजिए नलका कहाँ है? लोगों ने नलका, मेरे को नहीं पता था यहाँ की समस्या। सारे फैले हैं नलके, तो कूलर तो होना चाहिए था ना? कूलर होना चाहिए था पर लगा था पीछे, लगा दिया जी। पीछे कौन जाएगा पानी पीनी तो बताओ? नहीं वहाँ पर जो है बंगाले भी आए और बाकी बंगाले, हम बंगाले तो नहीं है ना, हम तो लोकल है। हमारे जो मान लो ये तीर्थ स्थान है यहाँ पे आद बद्री, यहाँ जो आएगी दुनिया यहाँ आएगी, मंडी में थोड़ी पानी। जितने भी नलके लगे जी सारे फैले। मैं नलका नहीं कह रहा जी, मैं फ्रिज
की बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना फ्रिज मंडी में लगाया, मंडी में क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? कोशिश करी नहीं माने सरपंच, हमारे पास क्या करते हैं? ये बात है ना, यहाँ कमी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीतपुर का था सर्वे जो किया था, यहाँ पे कितने सारे लोग जुड़े थे, किसी ने भाई कुछ कहना? युवा भाई नेता सा लग रहा है भाई, क्या नाम है? शाहिद जी। विधानसभा चुनाव लोकल है यहाँ से? हाँ जी लोकल। किसकी सरकार पसंद करेंगे? अभी तो किसी की भी नहीं है जी, कोई कोई नेता जो यहाँ पे आपके दुख सुख में खड़ा होता हो, तो अपने विधायक जी के बारे में बता दीजिए, कितने नंबर दोगे 10 में से? दे देंगे जी 5, एक तो 5 5 5 किस बात के कटे कि कहाँ रह गया, कहाँ फेल हो गया बलवंत जी हमारे विधायक, कहाँ रह गए विधायक जी? अब किसको 10 नंबर किसको देना चाहेंगे ये बताओ? अभी तो कोई नहीं है जी, नया चेहरा कोई आएगा फिर। नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि कांग्रेस को या जेजेपी को? कांग्रेस को जी। कांग्रेस को? कांग्रेस के जो नेता है लोकल, कौन नेता है यहाँ पे जो हरदम आपके साथ है, यहाँ जो पकड़ में आपके साथ? कोई भी नहीं है जी। ब्रिजपाल छप्पर है यार? नहीं जी है। सारी बार तो आता है यहाँ गड्डी लेके? हमारे पास पिंकी छप्पर नहीं जी। नहीं देखा? नहीं देखा, पर नहीं आपके साथ नहीं है तो फिर आपका, आपने किस को मन बनाया? अभी तो कोई किसी को नहीं बनाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी वार्ता हुई रंजीतपुर में, मिला जुला असर मिला। ब्रिजपाल छप्पर का काफ़ी प्रभाव है रंजीतपुर रामपुर इन एरियो में, मैंने देखा कि उनका बहुत प्रभाव है। विधायक से काफ़ी लोग नाराज हैं, 10 में से किसी ने 0 दिया, किसी ने थोड़ी बहुत गाली भी दी, और यहाँ लोगों ने 5 नंबर भी दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिला जुला असर है 50-50। चलिए आगे किसी गाँव का सर्वे करेंगे, वहाँ से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।